आज हमारे महाविद्यालय आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में मैडम प्रिया लेखा एडवोकेट और श्री रविंदर सिंह तंवर पैनल एडवोकेट द्वारा स्टूडेंट्स को वोटर्स अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी। तो मतदाता दिवस के उपलक्ष में यहाँ पर एक सप्ताह का कैंप चलाया जा रहा है डीसी की गाइडेंस में, सेशन जज की गाइडेंस में और सीजीएम साहब की गाइडेंस में। तो उसी उपलक्ष में इन्होंने हमारे यहाँ आज बच्चों को एड्रेस किया और उनको उनके इस अधिकार के बारे में बताया कि वो अपना वोट दे सकते हैं और उनका ये कर्तव्य अधिकार ही नहीं, उनका कर्तव्य भी है कि वो अपना मतदान दें और अच्छे से अच्छे नेता को सिलेक्ट करें। नेताओं के हाथ में ही हमारे देश का, हमारे एरिया का भविष्य है। तो जब तक अच्छे नेता नहीं होंगे हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। तो अच्छा नेता चुनना और उसके लिए अपना मतदान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज स्टूडेंट्स को बताया गया और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे और जरूर मतदान देंगे। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक अभियान चलाया गया है, जिसमें डीसी साहब और हमारे जिला के सेशन जज हैं और सीजीएम कपिल राठी जी के दिशा निर्देशानुसार यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसके लिए हम प्रत्येक मतदाता को अवेयर कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जो नए वोटर्स हैं वो अपने वोट बनवाएं और किसी भी गलत आदमी को मत चुनिए। कोशिश कीजिए कि सोच समझ के आप अपने देश के भविष्य को बनाने के लिए देश के विकास और प्रगति में अपना योगदान अवश्य दें। इस जागरूकता के दौरान और कितनी आवश्यकता लगी है और जागरूक किया जाए? प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छे, ज़्यादा अच्छे नेता कह लो या फिर बहकावे में जो ले आते हैं किसी को, उन नेताओं को ले लो, वो किसी ना किसी के बहकावे में आके वोटर जो है वो किसी और को गलत जगह वोट डाल देते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि सोच समझ के बिना किसी लोभ प्रलोभन के आप मतदान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि मतदान अवश्य हो, आप मतदान केंद्र पे जरूर पहुँचें, वोट करें, किसी को भी करें। अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आपके पास एक नोटा का भी ऑप्शन है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन मतदान केंद्र पे जरूर जाएं, क्योंकि ये अधिकार हमें बिल्कुल आसानी से नहीं मिला, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसके लिए। तो आपको जो अधिकार मिला है उसको आप अपना कर्तव्य समझ के इससे बखूबी निभाएं। नेशनल वोटर डे के उपलक्ष्य में कंपेन चली हुई है, जो हमारे सेशन जज साहब हैं, सचिव श्री कपिल राठी जी, उनके निर्देशानुसार ही हम जगह जगह जाकर कैंप कर रहे हैं। गांव में हमारे सहयोगी पीएलवी भी हैं, जो कि नेशनल वोटर डे के उपलक्ष्य में कैंप चलाकर मतदाता के लिए, मतदान करने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं। हम आदर्श महाविद्यालय में आए, जिसका हमारा उद्देश्य था नेशनल वोटर डे बताएं, जिन स्टूडेंट्स का, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है या होने वाली है, उनको ज्यादा से ज्यादा मत बनवा कर, यदि परिवार में भी नहीं बने हैं उनके भी बनवाएं और खुद के बनवाना भी, क्योंकि युवा पीढ़ी ही है वो जो हमारे देश की प्रगति में बिल्कुल सहयोग करती है। और आज का कार्यक्रम था कि जागरूक किया जाए, वोटों के प्रति जागरूक किया जाए। सर ने भी बताया, हमारे प्रिंसिपल मैम ने भी बताया हमें, और हम आज की यूथ हैं और हम जागरूक हैं कि भाई हमें एक ऐसे इंसान को चुनना है जो कि आगे चल के हमारा साथ दे। और एक अगर ऐसा इंसान ना हो, कैंडिडेट ना हो वोटर में, तो हम उसे चुने भी ना, हम नोटा को भी चुन सकते हैं। और हम सबको ये मोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि आज की हम ये यूथ हैं, और मोटिवेट भी करेंगे कि भाई आपको वोट देना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। शिक्षा मिलेगी कि जो सर ने कहा है, उससे हमें भविष्य में प्रेरणा मिलेगी। यहाँ पे आदर्श महाविद्यालय में वोटर अवेयरनेस का कैंप लगाया गया, जिससे हमें बहुत आगे बढ़ने की कि हमें वोट करना चाहिए और हम अपने छोटे भाई बहनों को जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उन्हें समझाना है कि वो भी अपना वोट दें।